मिस्टर राजन मूर्ति, आपके बैंक से 5,000 करोड़ रुपए गायब हो गए। आपकी बैंक की रिपुटेशन तो खराब हो गई है। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ और होनी को कौन टाल सकता है? अगर आप कोऑपरेट करें तो हम चैनल 6 की तरफ से इसकी छानबीन कर सकते हैं। सीबीआई पहले से ही इसकी जांच कर रही है। इट इज अंडर प्रोसेस, यू नो। लेकिन हम उनसे पहले पता लगा लेंगे सर। तुम्हारा चैनल 6 है, उसके बाद 7 खुलेगा, फिर 8, 9, 10। तुम कुछ पूछोगी, मैं कुछ जवाब दूंगा और तुम उसका कुछ अलग मतलब निकालोगी। उसके बाद फिर उसे अलग तरह से छापोगी और दुनिया उसका कुछ अलग मतलब निकालेगी। क्यों दिमाग पे जोर डालना? तुम चैनल वाले बहुत डेंजरस होते हो भाई। हम सच्चाई का साथ देने के लिए हाथ उठाए तो 1, 2, 3, 4 चाटे लगाकर तुम कहोगी कि मैं ही खूनी हूँ। बात का बतंगड़ बना दोगी। मेरी रिपोर्टेशन तो गई ना पानी में। इससे अच्छा है चुपचाप बैठे रहो। इंटरव्यू खत्म हुआ, अब आप जा सकती हैं। हम पहले भी साइबर क्राइम डिपार्टमेंट के पास जा चुके हैं। 5,000 करोड़ की रकम किस तरह ट्रांसफर हुई ये पता लगाने। हमें आईपी एड्रेस और ट्रांजैक्शन से जुड़ी डिटेल्स भी मिलेंगी मिस्टर मूर्ति। ब्रेकिंग न्यूज में देख लीजिएगा। थैंक यू। और से सुनो, आज सुबह से ही जर्नलिस्ट, पुलिस और चैनल वाले सारे के सारे इंक्वायरी के लिए पीछे पड़े हुए हैं। और ये सब चैनल्स साइबर क्राइम आईपी एड्रेस का नाम सुन के टेंशन बढ़ती जा रही है। प्लीज तुम कुछ करो, मैटर बहुत सीरियस हो गया है। आज शाम को हम 6 लोगों को मिलना ही होगा, अर्जेंट। अपना फोन भूल गई थी। अच्छा, कोई बात नहीं। सुमन आइडिया काम कर गया। बैंक के मैनेजर के अलावा और भी कई लोग शामिल हैं इसमें। लो, खुद ही देख लो। और ये सब चैनल्स साइबर क्राइम आईपी एड्रेस का नाम सुन के टेंशन बढ़ती जा रही है। मैटर बहुत सीरियस हो गया है। आज शाम को हम 6 लोगों को मिलना ही होगा, अर्जेंट। क्या हम ये खबर ब्रॉडकास्ट कर दे? नहीं नहीं नहीं, इससे वो 5 एकदम अलर्ट हो जाएंगे। स्वप्निका, तुमने वाकई कमाल कर दिया। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। सॉरी। सॉरी बोलकर तू 5,000 करोड़ के घपले पर पर्दा डालना चाहता है? बाकी के 5 पापी कौन है? बद्री प्रसाद, प्रकाश रंजन, हर्षद राणे, आईजी मार्केट, डॉक्टर श्रीकांत प्रसाद और छठा में। तुम लोगों ने उन पैसों का क्या किया बताओ? तेरे बेटे ने हमारा जो हाल किया है उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। मेरी मिनिस्ट्री चली गई, रातों की नींद हराम हो गई और मुझे करोड़ों का नुकसान हुआ। तो
धोबी के कुत्ते जैसी हालत हो गई है मेरी। थैंक यू। 5,000 करोड़ का ये अनमोल तोहफा अब हम रख लेंगे और उसे चुराने का इल्जाम लगाएंगे आपके बेटे पर। अगर तुम्हारा बेटा जिंदा बच गया तो वो हमें जीने नहीं देगा, इसलिए उसे जेल भेजने का बंदोबस्त हो गया है। और अगर तुझे हमने जिंदा छोड़ दिया तो तेरे किसान हम पर हल चला देंगे, इसलिए तेरा तो राम नाम सत्य करना ही था। पांच हजार करोड़ क्या बात है, 5,000 करोड़। अब मेरा अगला सीएम बनना तय है। अरे अब हंसना बंद करो और पैसे जल्दी जल्दी अपने अकाउंट में ट्रांसफर करो। करेक्ट। हम में से हरेक के हिस्से में कम से कम 830 करोड़ रुपए आएंगे। इतना पैसा देखते ही इनकम टैक्स हम पर रेट मार देगी। इनका सीएम बनना तो दूर की बात है, हम जेल में मंजीरा बजा रहे होंगे। मैंने इसके लिए प्लान बनाया हुआ है। सलीम सर, हैकिंग शुरू कर दो। ओके सर। सर, वर्क इज डन। वेल डन। तुम्हारे लिए एक शानदार गिफ्ट भिजवा रहा हूं। थैंक यू सर। पांच हजार करोड़ ट्रांसफर हो गए। अब इस अकाउंट में मिनिमम बैलेंस 5,000 है। कैलाश जी बैठ लाइन। पैसे को लेके झगड़ा होना आम बात है, इसलिए अब हम 6 के 6 लोग यहाँ एक नया पासवर्ड बनाएंगे। हर एक आदमी जाके पासवर्ड की एक की दबाएगा और वो की अपने पास एक राज की तरह रखेगा। अकाउंट तब तक नहीं खुलेगा जब तक हम सारे लोग साथ नहीं आएंगे। सारे लफड़े खत्म होने के बाद हम हर्षद की मदद से हवाले के जरिए सारा पैसा वापस मंगा लेंगे। उसके बाद हम अपना अपना हिस्सा बांट लेंगे। लो भाई, नया पासवर्ड मुबारक हो। आईजी या तुम इस बुड्ढे के बेटे का ख्याल रखना। डॉक्टर श्रीकांत इस बुड्ढे का ख्याल रखें। लेट्स गो। तुम लोगों ने सिर्फ मेरे पापा को नहीं मारा, लाखों किसानों की जिंदगी को तबाह कर दिया। गरीब से गरीब किसान ने अपनी हैसियत के हिसाब से पैसे पैसे जोड़कर जमा किए थे और तुम लोगों ने उनके सपने तोड़ दिए। मुझे मत मारो। अपना पासवर्ड बता। के ईमानदारी से जीता तो ऊपर वाला तेरा अकाउंट बंद करता, लेकिन तूने करप्शन किया है इसलिए तेरा अकाउंट मैं बंद करूंगा। हाँ, तेरी जिंदगी और मौत के बीच एक सूत का फासला है और मेरे अंदर तुझे मारने का भूत सवार है। नो हियरिंग ओनली किलिंग। इस राजन को किसने मारा होगा? और कौन? श्री मन्नारायण नहीं मारा होगा। वो तो जेल में है, वो कैसे मार सकता है? अगर भाग गया होगा तो? और अगर उसे पासवर्ड पता चल गया होगा तो? तू टेंशन मत ले, सब क्लियर हो जाएगा। बोलो अर्षद भाई, वहां बैठ के क्या बखिया मार रहे हो? किसने मारा मैनेजर को, कुछ पता चला क्या? साला सब कुछ खिचड़ी हो गया है। अच्छा तुम रुको, मैं फोन करता हूँ। श्री मन्नारायण जेल में ही है सर। ये कैसे हो सकता है? ओके, वो जेल में ही था। जेल में? क्यों इंस्पेक्टर, यहाँ क्यों आया बे? हमने किसी को मार दिया क्या? स्निफर डॉग सेंट्रल जेल के पास रुक गए सर। देखा आईजी, मेरा शक सही निकला, उस श्रीमान ने राजन का खून किया है। इंस्पेक्टर सर, जेलर से को मैंने बुलाया है। ओके सर। वो साला जेल में था और रंजन मारा गया, कुछ तो लोचा है बॉस। अरे ये सब छोड़ो,
तुम लोगों ने राजन के पासवर्ड का पता लगाया कि नहीं? मैं कल उसके घर गया था, पर सोचा मौत के वक्त ऐसा पूछना सही नहीं होगा। अभी फोन करता हूँ। हेलो भाभी जी, मैं बद्री प्रसाद बोल रहा हूँ। बोलिए भाई साहब। राजन मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, उसके जाने का मुझे बहुत अफसोस है। पता नहीं कब इस दुख से उबर पाऊंगा, मेरे तो आंसू ही नहीं रुक रहे हैं। हाँ भाई साहब, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ। वैसे मैं अब अपने मायके पुणे जा रही हूँ। भाभी जी, आपको राजन ने किसी बैंक अकाउंट का कोई पासवर्ड बताया था क्या? हाँ बताया था, और उन्होंने हमें मिलने वाले हिस्से के बारे में भी बताया था। आपको हिस्सा जरूर मिलेगा, बस आप सिर्फ पासवर्ड बता दो ना भाभी जी। के पासवर्ड है भाई साहब। शुक्रिया भाभी जी। ठीक है। के 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 ए हर्षद, हमें राजन की पत्नी ने पासवर्ड बता दिया है। वाह, क्या खुशखबरी सुनाई है। मैं अभी इंडिया पहुंचता हूं। गुड मॉर्निंग सर। आओ जेलर। सर, स्निफर डॉग जेल के पास आके रुक गए थे। सर, आप कहना क्या चाहते हैं? साफ जाहिर है कि कातिल तुम्हारे जेल में ही है। वैसे आपका इशारा किसकी तरफ है? श्रीमन नारायण। वो जेल से निकल ही नहीं सकता। लगता है तुम्हारे टल्ली होने के बाद, वो हवलदारों को 200-300 देने के बाद वहां से रफू चक्कर हो गया होगा। इट्स हाईली इम्पॉसिबल सर। हमें उस पर डाउट है और उसे। लेकिन मैं आपके लिए क्यों काम करूं? भीख दे रहा है, 5,000 करोड़ का घोटाला है, और तू मुझे चिल्लर दे रहा है। अब बोलो। डन। आज शाम को हम 6 लोगों को मिलना ही होगा, अर्जेंट। कातिल बहुत शातिर है। इस कैंप में 5 लोग और शामिल हैं। ये बात तो पक्की है इस वीडियो को देखकर।